पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थी पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थी नाचे थी नाचे थी नाचे थी हाँ के पग घुंघरू बांध मेरा नाचे थी। जब टीवी पे ये शो आएगा और ये गाना हमें का सुनाई देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो किशोर दा ने गाया था और जो एटीट्यूड की आवश्यकता थी मुझे नहीं लगा कि वो करेक्ट था। सुर में वो बहुत परफेक्ट था, बहुत परफेक्ट था, लेकिन मैं अब सुर के मार्क्स अमय जैसे ग्रेट सिंगर को देते देते इन रियलिटी शोज में थक गया हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आप मुझे पहले एपिसोड से बोल रहे हो कि आप टीवी पर देखिए टीवी पर देखिए, मैंने टीवी पर मेरे एपिसोड्स देखे सर, पहले से देखे जो हम लोग अब ये चौथा एपिसोड। अमय यू आर फैंटास्टिक सुपर्ब आउटस्टैंडिंग माइंड ब्लोइंग, मैं रॉन्ग हूँ, मुझे माफ। सोचता हूँ बस यही तुम जो मेरा साथ दो, सारे हम भुला के मुस्कुरा के जिंदगी तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाँ चाहे जो शरीफ ने बहुत अच्छा गाया है, मैं ना नहीं बोलूंगा, उसने बहुत अच्छे से गाया है। लेकिन अगर यहाँ पर परफेक्शन की, अगर यहाँ पर सब चीज़ों का अगर आप राउंड करके उसको देख रहे हो और फिर मार्क्स दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि इसके पहले भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए उनको जिनको 10 देना चाहिए था, उसमें से काफ़ी मुझे लगता है कि हम लोग की टीम में से भी थे तो जिनको नहीं मिला है, बट मुझे लगता है कि अगर उनको 10-10 अभी मिल रहे हैं तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन पहले करना चाहूँगा शारिफ को। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि अगर ऐसा है तो शायद ये स्टेज को हम रास नहीं आ रहे हैं और शायद मुझे नहीं लगता कि मैंने इसके ऊपर और ज़्यादा कुछ गाना चाहिए, क्योंकि एवरी टाइम दिस इज हैपनिंग मुझे लगता है कि मैंने सही गाया बट मुझे नहीं मार्क्स मिल रहे। आप टीवी पर आप देख लेना कि आप, अगर हिमेश जी आप बोल रहे हो मुझे, आप टीवी पर देख लेना इस परफॉर्मेंस को और फिर मुझे बोलना कि आप मतलब ये 10 देने के काबिल है कि नहीं है। बेटा दैट्स इट, आई डोंट वांट टू लिसन, जजेस बताइए, थैंक यू वेरी मच, आई थिंक ये मेरा सही, हमें लिसन लिसन विद ड्यू रिस्पेक्ट जजेस, आप सब बहुत बड़े हैं। शारिब 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 नॉनसेंस टू मच शारिब, एक वक्त एक लाइन में मत बोलना बेटा, तूने बहुत नहीं, शारिब भाई मेरे भाई तुमको मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, यू आर नॉट अ कैप्टन, यू गो जस्ट सिट देयर, मैं तुमको क्या बोल रहा हूं, यू आर नॉट अ कैप्टन, आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग टू यू मैन, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग, अरे मैं इसको क्या बोलूं क्या, अरे मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई शारिफ, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ये परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलवेज मेरी गलती है कि मैं शायद इसके स्टेज के काबिल नहीं हूँ, आई एम वेरी मच सॉरी, ओके आयुष्मान, आई एम क्विटिंग द शो हियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अमय व्हाट्स हैपनिंग यार, अमय अमय बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है मोहित फाइटर्स के, उनके बिना यहां पर जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें अगर आप हैं तो देखिए बस इस मेडले के लिए आ जाइए, अगर आपका दिल शो से उठ गया तो ऑफ कोर्स वी अग्री, बट हम सबके लिए एक बार आके गा जाओ, एक बार अपनी टीम के लिए एक बार आखिरी बार, स्टैंड इट, देखिए दे आर वेटिंग फॉर यू। अगर आप सही मायने में उस्ताद जी के शागिर्द हैं सुरेश वाडेकर जी के, तो बेटा सामने आके गाओ, नहीं हो तो भाग जाओ यहाँ से, नहीं सर वो आपको बोलने की जरूरत नहीं, फिर यहाँ भी आके गाओ सामने आके, सर जी वो आप अगर हो तो सामने आके गाओ, हम किसके शागिर्द हैं नहीं है और उसका हम कितना गाना क्या सीखे हैं वो तो सब बेटा हम जानते आप सामने आओ ना, अपनी टीम को जिताओ, क्यों कर रहे हो, आपको ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि हम कहाँ पे आए, किसके शागिर्द हैं और क्या गाए, क्योंकि आप तो यहाँ पे आके गाओ ना, नहीं तो आप देखिए आप अगर मुकाबला करना चाह रहे तो फिर आप आ जाइए प्लीज, आ जा मेरे बेटे, आ जा, आ जा मेरे बच्चे, आ जा, तेरी दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी,
राजू हम थे वो थी और सवार की समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने 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 प्यार हो गया राहुल तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा शारिब तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा संजीव तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा अरे जय गुरु मैंने ये माना तू है मेरी जान जाना लेकिन फिर भी दे दो मेरा 5 रुपया अब मेरे प्यारे बिंदु